ठीक है, तो इन्वेस्ट टाइगर, सॉरी रजिस्ट्रेशन हुआ क्या? हाँ वो आवाज आई, क्लिक करके आवाज आई थी। संजीव बोलो, बोल आपको मैं बोलता हूँ। ना संजीव ना अच्छा ना, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट खत्म हो गया था ओके एजुकेशन के लिए, जो सप्लाई गया होगा ये नेट भी डाउन हो गया होगा। देख नहीं नहीं अभी तो है। हाँ हाँ जी ओके। सी तो कंसर्न एरिया क्या है, ऐसी मार्केट में पैसा बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें अभी स्मॉल केस का नाम सुना होगा आपने। स्मॉल केस कुछ नहीं है, एक बास्केट बनाता है। उस बास्केट को बनाने के बाद उसमें आप म्यूचुअल फंड की तरह आप खुद इन्वेस्टमेंट करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो उसी के बेस पे कंपनी ने, शेर खान ने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, इन्वेस्ट टाइगर। अब इन्वेस्ट टाइगर क्या है, तो आपको प्रीफिक्स बास्केट दे रही कंपनी। वो बास्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बास्केट है, उसमें अलग अलग बास्केट है, जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। अभी नाम सुने होंगे आपने, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, NFO, SIP, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ, कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना उसी टाइम, ठीक है। तो शेर खान ने भी एक अपना खुद का इन हाउस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगर आपका डीमेट अकाउंट शेर खान में है तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। अभी करना हो तो अभी भी आप कर सकते हो। करने के बाद उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ क्वेरी आता है तो हम फर्दर डिस्कस कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बना रही है कंपनी, कंपनी के खुद के इन हाउस रिसर्च पर्सन से, ठीक है। तो रिसर्च पर्सन है वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। सी मार्केट में अगर खुद, अगर आपने एजुकेशन लिया तो आप सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो कंपनी स्मॉल केस ऐसे जो बास्केट बना है कंपनी ने, उन बास्केट थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें अभी बास्केट है वो मैं बस अलग अलग फंड के बास्केट बना है उस पर मैं आने वाला हूँ। बट अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, Nifty 50 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहते हो अगर, तो आपके पैसे रिस्क में है, जैसे म्यूचुअल फंड मैंने बात की वैसे ही सेम यहाँ सब्जेक्ट वही कंसर्न आ रहा है यहाँ पर भी। तो अभी क्या है, आज के ज़माने में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिफाइड नाम सुना होगा आपने, डाइवर्सिफाइड मीन्स कि आप पैसे को आप अलग अलग जगह पार्क करो, जैसे वर्ड सुनने मिले होंगे। तो ये एक अपना इन्वेस्ट आई कर प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इसका बेनिफिट क्या है कि टोटली ट्रांसफरेंस है, ट्रांसफर इसलिए आपकी अकाउंट के अंदर होने वाला है। जिसका शेर खान में अकाउंट है वो एक खाली प्ले स्टोर से इन्वेस्ट अगर लोगो वाली एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, ये मैंने बताया वैसे ही ये वहाँ देखिएगा, डाउनलोड कर लेगा तो आपके डीमेट के अंदर ही बाय सेल हो रहा है, ठीक है। वो बता रहे हैं यहाँ पर जो भी शेयर है वो आपको दिखने ही वाले हैं, आपके डीमेट में रहने वाले। इसलिए आपको कब एग्जिट लेना है, कब एंट्री लेना है, वो आप पॉपअप में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अभी समझो कि शेर खान में आपको ब्रोकरेज आपसे ले रही है कंपनी, तो 5 पैसा ब्रोकरेज, 50 पैसा ब्रोकरेज लेगी यहाँ पर। जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें आपको 50 पैसा ब्रोकरेज लेगी। यही चीज़ अगर सपोज एक दूसरा सब्जेक्ट होता है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये PMS क्या है कि सी आज के टाइम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की मिनिमम टिकट साइज कितनी है किसी को मालूम है यहाँ पर? PMS की मिनिमम टिकट साइज क्या है, कोई को आइडिया है? 50 लाख है, ठीक है। 50 लाख रुपया अगर आप किसी को देते हो, एक ये फंड मैनेजर होता है उसका भी अलग से, तो 50 लाख रुपये वो मैनेज करेगा, वहाँ पर वो प्रॉफिट शेयरिंग लेगा, ठीक है। उसका भी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्ज, वो चार्जेस लेगा। एग्जिट लोड होता है उसका कि अगर आप पैसा टाइम से पहले उठा लेते हो, समझो 1 साल 2 साल के लॉकिंग पीरियड से पहले अगर आपने उठाया तो उस पर भी चार्ज लेगा। तो वैसा यहाँ ये प्रोडक्ट जो है शेर खान का, ये एडवाइजरी प्रोडक्ट है। एडवाइजरी प्रोडक्ट यानी कंपनी आपको सलाह दे रही, रिकमेंड देती है। अभी आपका अगर डीमेट अकाउंट होगा तो इंदौर उज्जैन ने अलग अलग जगह से एडवाइजरी कॉल्स आते हैं कि हम आपको एडवाइजरी देंगे और आपको पैसा बना के देंगे, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें हम शेयरिंग ही लेंगे। सी पैसा आपका है, कोई आपको गाइडेंस देगा, रिस्क ले नहीं रहा है, प्रॉफिट होगा तो पैसे में शेयरिंग मांगने आ जाएगा, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? सी कंसर्न क्या है, तो ये मार्केट चल रहा था तो कंपनी ने अपने कस्टमर को सिक्योर करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो यहाँ पर क्या है कि 50 पैसा कंपनी अपनी एक्सप्राइज फीस ले रही है, जो भी शेयर आप बाय करो उसके ऊपर दलाली ले रही है। इट मीन्स देन जीरो प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग। यानी कि अगर सपोज आपने ₹1,00,000, 50,000 अलग अलग बास्केट को बताऊँ मैं जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो भी रिटर्न आ रहा है उसमें आपको
उसमें आपसे कंपनी कोई शेयरिंग नहीं ले रही है। बाकी पीएमएस के अंदर के साथ एक बेंचमार्क होता है 15%, 18%, 20% सब्जेक्ट टू, उसके ऊपर जो जाता है ना तो वह 20% वो लोग शेयरिंग लेते हैं आपसे। वो डिफरेंट डिफरेंट एएमसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है उसका। तो यहाँ कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है शेयरधारक में, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। मैंने बताया कि अगर पीएमएस या कुछ आप करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो अगर आप, तो 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। वो लॉकिंग पीरियड नहीं है, बट वहाँ पर आपको एग्जिट लोड लगता है, पैसा लॉक नहीं हो रहा, आप अगर पैसा उठाते हो टाइम से पहले तो आपको फीस देनी पड़ती है 1% फीस। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है बराबर, और जीरो एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड भी नहीं है। एग्जिट लोड यानी समझो आप बाहर ले रहे हो पैसा, आपको चार्ज भी नहीं दे रही। तो इस तरह का ये अपना एक बास्केट स्टार्ट किया है शेर खान ने। उसका लॉग इन आई डी पासवर्ड क्या है, तो जो शेर खान में अगर आपका डीमेट अकाउंट है उसका जो लॉग इन आई डी पासवर्ड है वही आपको यहाँ डालना है। शेर खान का मोबाइल एप्लीकेशन और ये दोनों कनेक्टेड है, और इसके अंदर आपका अलग से डीमेट अकाउंट नहीं खुल रहा है। आपका जो शेर खान डीमेट अकाउंट है उसी में आपके शेयर पार्क होंगे, और अगर आपको शेयर सेल करना है तो आप यहीं से सेल कर सकते हो। अभी इसका डैशबोर्ड है, लास्ट टाइम मैंने मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू लाइव डेमो दिया था, आई थिंक कुछ पर्सन अटेंड थे। अभी अपने आप पीपीटी पे ही जा रहे हैं, लाइव डेमो नहीं ले रहे। तो उसमें अगर आप लॉग इन करते हो देन आफ्टर ऐसा पेज आएगा, फर्स्ट डैशबोर्ड इस तरह दिखेगा। उसमें प्रीमियर और थीमेटिक दो टाइप के यहाँ पर लोगो दिए हुए हैं। जो प्रीमियर है उसके अंदर 3 फंड है, और थीमेटिक है उसके अंदर 3 पोर्टफोलियो है। ठीक है, अभी उसके अंदर जो प्रीमियर थीमेटिक जो पोर्टफोलियो है उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जस्ट खाली टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करना है। देन आफ्टर इस तरह का एक पेज आएगा, फिर इस तरह का सॉरी इस ओके इस तरह का पोर्टफोलियो का आएगा। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस दिया हुआ है यहाँ पर, प्रीमियम के अंदर स्टार पोर्टफोलियो पावर पोर्टफोलियो दिया हुआ है। बैक वापस जाएंगे, बढ़िया पावर पोर्टफोलियो स्टार पोर्टफोलियो दिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, बट मैं ओवर ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। तो पावर पोर्टफोलियो स्टार पोर्टफोलियो दोनों लाख लाख का ही इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है। सेक्टर वाइज अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेगा, एक सेक्टर में सपोज बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई शेयर इन्होंने रिसर्च अकॉर्डिंगली चूज किया है तो 30% ज्यादा वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। एक तो 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, देन आफ्टर सेक्टर भी उसमें डाइवर्सिफाइड किए हुए हैं। और इसमें ये जो पावर पोर्टफोलियो है वो जिस कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़ से अब जिसका मार्केट कैप है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। सिमिलरली स्टार पोर्टफोलियो में सेम ही है, वो 5,000 करोड़ प्लस की मार्केट कैप जिस कंपनी की है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों निफ्टी और वो निफ्टी 500 को 200 और निफ्टी 50 के शेयर ही बाय करें, निफ्टी के स्टैंडर्ड शेयर ही आएंगे जो निफ्टी का इंडेक्स है उसको बीट करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, ये पावर पोर्टफोलियो बैलेंस है, यानी आपका पैसा थोड़ा सेफ रहेगा, बैलेंस रहेगा, यानी उसमें एग्रेसिव बैलेंस एंड रिस्क आता है। ठीक है, तो बैलेंस में क्या आपका पैसा थोड़ा सेफर साइड है, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट मूव करेगा तो आपका पैसा भी प्लस करेगा। सेफर साइड कंपनी, ऐसा नहीं हीरो जीरो जाएगा बैलेंस। हमें निफ्टी की कंपनी है सब, निफ्टी के अंदर एसबीआई है, तो ऐसा नहीं 20% लोअर सर्किट लग जाने वाली है, तो पैसा आपका थोड़ा सेफर साइड रहेगा। देन आफ्टर टॉपिक है और इमर्जिंग पोर्टफोलियो है। ये जो टॉपिक और इमर्जिंग पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी यहाँ दिया हुआ है, टॉपिक के अंदर 12 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। इमर्जिंग स्टार पोर्टफोलियो उसके अंदर वो लोग स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें भी 8 से 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पर एग्रेसिव दिया है, ये स्टार इमर्जिंग स्टार पोर्टफोलियो एग्रेसिवली टर्निंग करते हैं उसके अंदर, और ये बैलेंस है, यानी फंड में आपको रिस्क कितना ज़रा उसके ऊपर रही है। तो यहाँ जैसे पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं, थीमेटिक के अंदर भी तीन चार पोर्टफोलियो है, उसमें एमएनसीपी के, एमएनसीपी के अंदर जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो फॉरेन में लिस्टेड है एमएनसी कंपनी, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी है वो 50,000 का है, उसमें भी 8 से 10 स्टॉक, 10 स्टॉक ही बाय करते हैं लोग, और एमएनसी में भी 10 स्टॉक बाय करेंगे। एमएनसी के अंदर आई थिंक 60,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और इकोनॉमिक के अंदर 50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ ही है। फिर ग्रीन मॉडल पोर्टफोलियो है और एक्सपोर्ट पिक्स है। ठीक है, तो इनका कितना मिनिमम है, 60,000 एक्सपोर्ट के अंदर है, और सॉरी ग्रीन मॉडल के अंदर 60,000 है, एक्सपोर्ट के अंदर 50,000 है। 50,000 रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक बास्केट बनता है, उस बास्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के इनका ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन में जब लॉगिन करोगे तो वहाँ भी आपको शो होगा उसका परफॉर्मेंस। देन आफ्टर हम वापस बैक यहाँ आते हैं, तो पैसा कैसे लाना है इसमें। ठीक है,
अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फंड होगा, जो भी वो फंड थ्रू आप वहां से यहाँ फंड स्विच कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका शेरखान का लेजर में पैसा है वो फंड भी आप यहाँ ला सकते हो डायरेक्ट, और बैंक से भी आप यहाँ फंड ऐड कर सकते हो। दिया हुआ यहाँ पर सिंपल है, मोबाइल फ्रेंडली हो आप, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं उसमें, दिया है ऑप्शंस। और अगर आपने कोई स्टॉक बेचना है देन आफ्टर आप उसको सेल करते हो तो यहाँ से आप एग्जिट भी ले सकते हो, आई मीन टू बैंक में आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, कोई भी जो पोर्टफोलियो मैंने बताया, स्टार पोर्टफोलियो, पावर पोर्टफोलियो, वॉट एवर, तो इस तरह का विंडोज ओपन होती है। फर्स्ट विंडो है उसमें स्टॉक दिए हुए हैं, वहाँ पर फर्स्ट विंडो में अगर आप क्लिक करते हो वहाँ पर तो उसमें 10 स्टॉक आ जाएंगे। वहाँ 10 स्टॉक का वेटेज दिया हुआ है, 10% का ईच स्टॉक वेटेज दिया हुआ है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। टॉप में कस्टमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रैक्टिकली देखिए आप, और इस तरह का जर्नी है उसकी। कंफर्मेशन मांगेगा आपसे एंड देन आफ्टर एचओ से ट्रेड हो जाएगा, आपको ट्रेड भी नहीं लेना। ये करने के बाद में अगर कुछ आपको रिपोर्ट्स देखना है तो रिपोर्ट्स भी आप इसमें देख सकते हो। इट मीन्स ऑर्डर जो आपने प्लेस किया है, हाँ, ये जो पोर्टफोलियो जो यहाँ बन रहा है वो पोर्टफोलियो मार्केट आवर्स में बनेगा, क्योंकि 9 to 3:30 मार्केट जब चल रहा है उस पीरियड में ही आप यहाँ अपना पोर्टफोलियो बना सकते, बिकॉज लाइव मार्केट में पोर्टफोलियो बनेगा। आपको वन क्लिक करेंगे आप, वन क्लिक के ऊपर आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर एचओ से बाय हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑर्डर जो प्लेस होगा वो आपको ऑर्डर यहाँ देखने मिलेगा, इन्वेस्टमेंट समरी, आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो रिपोर्ट यहाँ देखने मिलेगा, लेजर समरी, सी लेजर समरी क्या है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना एग्जिट लिया, उसका डिटेल है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, लिमिट स्टेटमेंट, लिमिट स्टेटमेंट नथिंग, जस्ट आपने सपोज 1.5 लाख रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपये का आपने एक पोर्टफोलियो बाय किया, 80,000 का, 60,000 का, वॉट एवर पोर्टफोलियो बाय किया, तो आपके कितना अवेलेबल लिमिट है वो सब देखने मिलेगा। सी यूजर फ्रेंडली है। दूसरा भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो कैश कैपिटल रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, तो वो सब ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो इस तरह का ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, सी जो पर्सन को हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए प्रोडक्ट है। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए ये एक प्रोडक्ट अपने लॉन्च किया है शेरखान ने, कि आपको कुछ करना नहीं, कब एग्जिट लेना है वो भी शेरखान बताएगा आपको, पॉपअप के थ्रू बताएगा, मेल पे इसका समरी आएगा, तो वो पूरा गाइडेंस शेरखान का जो रिसर्च टीम है उसके थ्रू मिलेगा। इसका पूरा PDF है, आप एप्लीकेशन लॉग इन करने के बाद में जो शेयर दिए हुए हैं उसका पूरा रिसर्च रिपोर्ट दिया हुआ है, उसका चार्ट एनालिसिस दिया हुआ है, उसका टारगेट भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट भी दिया हुआ है। तो आप मोबाइल ऐप में जाके वहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हमारी जो शेरखान की इन हाउस टीम है वो 250 स्टॉक के अंदर रिसर्च करती है, मार्केट में 5,000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें 250 स्टॉक के अंदर शेरखान का इन हाउस रिसर्च है। वो जो रिसर्च है उसके अंदर से सेक्टर वाइज, सी जैसे मैंने बताया पावर पोर्टफोलियो है वो 10,000 करोड़ करती है, स्टार पोर्टफोलियो 5,000 करती है, फिर MNC है तो MNC इंडेक्स को बीट करते हैं वो लोग, फिर इकोनॉमिक रिकवरी है तो वो सेक्टर वाइज। अभी आगे फर्दर फार्मा सेक्टर है तो उसका भी यहाँ पर एक बास्केट आ सकता है। तो हमारा जो इन हाउस रिसर्च है उसके अंदर से हम स्टॉक पिक करके इसमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। सी मार्केट में रूमर्स बहुत होते हैं कि ये शेयर ले लो आपका पैसा डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। सी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा आपका है, तो आपको एक बार रिसर्च करने की जरूरत है। यहाँ जो भी स्टॉक बाय करवा रहे हैं वो निफ्टी 50 या निफ्टी 100, BSE 200, यानी टॉप 200 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट में मैं बोलूँ तो संभव मीडिया का नाम सुना किसी ने, GTLR का नाम सुना किसी ने, GTLR कंपनी है, सिंटेक्स प्लास्टिक का नाम सुना, सिंटेक्स का नाम सुना, क्या शेयर शेयर का प्राइस क्या है सिंटेक्स का, सिंटेक्स डीलिस्टेड हो गया सर, CCCL का नाम सुना। तो सी ऐसी जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, स्टैंडर्ड कंपनी में इन्वेस्ट, TCS है, रिलायंस है, स्टैंडर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा सेफर साइड रहता है। ओके दैट्स इट, थैंक यू। यस बोलो सर। म्यूचुअल फंड SIP में रिस्क तो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क तो रहेगा, बट क्या होता है जैसे मैंने बताया यहाँ पर एग्जिट लिया तो बंद हो गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड SIP में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो हो गया। नहीं, वो नहीं होना है। लैपटॉप ऑफ कर स्क्रीन पर PPT चलाना।
नहीं वो गूगल वेबसाइट पे गूगल गूगल है ना। यस नहीं आगे भी आगे हेलो पुल दिस ऑन द तो फंक्शन है आपका ना, फंक्शन का प्रॉब्लम है। सॉरी क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन क्या था आपका? म्यूचुअल फंड और एसआईपी में रिस्क कितना रहता है? सी मार्केट के अंदर रिस्क तो है सब जगह, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है एसआईपी, वहाँ रिस्क बहुत कम है। अब सब्जेक्ट क्या आता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है और एसआईपी में कम है, तो उसका डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, लमसम बोलते हो उसको। म्यूचुअल फंड के दो पार्ट है, लमसम और एक एसआईपी। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करो 1 लाख रुपए, 50,000, 5 लाख, तो आपने एक एक्स अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे कि ये बड़ौदा बीएनपी पारीपास का फंड है, यहाँ 20.8941 इस प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस एयूएम में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये एनएवी 20.8941 से बढ़कर 22, 23, 24 होने में इसको टाइम लगेगा। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ करेगा या डी ग्रोथ करेगा। सडनली 2-5 टका, 10 टका, 20 टका की सर्किट नहीं लगेगी। स्टॉक मार्केट में शेयर 5 टका की सर्किट लग जाती है, 10 टका, 20 टका की सर्किट लगती है, ऐसा नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड में लमसम किया आपने, तो वहां पर आपका एनी बढ़ा तो आपको पैसा बनेगा, नहीं बढ़ा तो फिर आपका रिस्क है। पर एसआईपी में क्या हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 100 रुपये में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इस साल 100 रुपये की एनी भी चल रही है सपोज, और अगर आपने आज 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको 500 यूनिट मिल गया, ठीक है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि 110 रुपये डायरेक्ट हो जाएगा, पर मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 110 रुपये हुआ, आपने 1 साल इन्वेस्टमेंट किया तो उसके अंदर आपका वापस प्लस हो गया, फिर वापस वो 120 हो गया तो प्लस हो गया। सी अगर मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो पैसा आपका ग्रोथ हो रहा है, बट वहाँ पर एवरेज आएगी। 100 में इन्वेस्टमेंट किया, 120 में इन्वेस्टमेंट किया, 130 में इन्वेस्टमेंट किया, उसका एवरेज क्या हुआ, 120 हुआ, तो आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो, ठीक है। बट सम ऐसा नहीं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर एनएवी ऊपर ही जाएगी, कुछ सरकमस्टेंसेस मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। तो वहाँ पर अगर डाउन साइड जाती है, अगर आपकी एनएवी 100 के 90 हो गया, तो वहाँ आपकी यूनिट्स इकट्ठा होगी, एनएवी बाय करने यूनिट इकट्ठा होगी। सपोज 100 से डाउन होके 90 हो गया, 80 हो गया, तो भी आपकी यूनिट इकट्ठा होगी, ये मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। डायलॉग सुना होगा आपने, जाना सबको ऊपर ही है, मार्केट हो या इंसान, सब देखो ये 90 रुपये में भी आपकी एनएवी इकट्ठा होगी। जब वो 100 रुपये क्रॉस करेगा बेसिक प्राइस से, तो आपके पास एक नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होगी, तो वहाँ रिस्क कम है। आप हर एक इंटरवल में एंट्री ले रहे हो, तो आपके पास एक एक्स अमाउंट की एनएवी इकट्ठा हो जाएगी। तो और एसआईपी थोड़ा सेफर साइड है, लमसम में फिर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये थोड़ा स्टडी करने के बाद डालना रहेगा। बाकी दोनों सेफर साइड है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों में रिटर्न अच्छा ही मिलेगा, म्यूचुअल फंड सही है। कुछ और क्वेश्चन हो तो बेसिक बात कर सकते हो हम आगे। डन है, थैंक यू, फेयर इनफ। राकेश जी, थैंक यू जीत सर। बेसिकली अभी जो आपने क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहा, सर ने बताया ना कि म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी सभी म्यूचुअल फंड ही है बेसिकली, ऐसा लमसम नहीं। लम अभी एक आपने एकदम से क्या, जैसे स्टॉक खरीदते हैं एट ए टाइम 1 लाख रुपया का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। मान लो किसी ने 2020 में स्टॉक खरीद लिया मार्च में या अप्रैल में, तो उसका 20% ग्रोथ हो गया या 40% ग्रोथ हो गया, ठीक है। और उसी समय में जस्ट 2 महीना पहले किसी ने 1 लाख खरीदा था, तो उसका वैल्यू तो सीधा के 20,000 हो जाएगा ना, 40,000 हो जाएगा, तो रिस्क ज्यादा हो सकता है। बट उन्होंने अभी क्या किया कि भाई म्यूचुअल फंड आया तो आप एकदम से 50,000 लाख रुपया जो भी आपका अमाउंट है एट ए टाइम डाल दो, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो जिसका जो फंड मैनेजर उसका काम है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उनको लग रहा है कि मार्केट अभी रिस्क में हाई में है तो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो क्या करेगा उसको उठाएगा बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक में डाल देगा,
तो कभी झटका आएगा तो झटके में नहीं गिरेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं मार्केट अभी थोड़ा बॉटम में है, अब यहां से थोड़ा बाउंस मिलने वाला है, तो लार्ज कैप को हटा के वो फिर अपना जो प्लान होगा, सेबी का परमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर स्मॉल कैप में डाल देगा। गिरने का टाइम जल्दी गिरा नहीं, उठने का टाइम जल्दी उठेगा। तो ये एक्सपर्टाइज किसका है? पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आप अभी भी सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा कि हमें कहाँ किसको लगाना है। अगर उतना एक्टिवली करना है तो वो क्या है, म्यूचुअल फंड का जो बैक एंड में जो एएमसी का जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका पोर्टफोलियो मैनेजर सेबी का पूरा रिटेन गाइडलाइन के हिसाब से वो काम करते हैं। थोड़ा बहुत वो वेरिएशन करते हैं कि उनको उतना स्कोप है, बट इतना पैसा स्टॉक में डालना है और दैट इज रिस्क वाला फंड में, ग्रोथ फंड में, डेप्ट में, इक्विटी एंड डेप्ट, बेसिकली ये जो मैच है ना, इक्विटी एंड डेप्ट, डेप्ट मतलब बोर्ड जैसा बहुत रिस्क फ्री जो है उस तरह का डालना है, इक्विटी मतलब पूरा प्योर स्टॉक में डालना है जिसमें रिस्क हो सकता है। तो हाई रिस्क वाला हो गया तो ग्रोथ हो गया, कंजर्वेटिव बोला दोनों बराबर हो या बैलेंस्ड हो गया, इस तरह का चीजें होता है म्यूचुअल फंड में बेसिकली, ठीक है। तो ये जो बात है कि आप इकट्ठा डाल दो और अपना पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो करता रहेगा। दूसरा है, वो तो ऐसे भी काम करता रहेगा बट उसको एकदम से 1 लाख मत दो। आप क्या करोगे, भाई मेरे पास 1 लाख है ना, तो मैंने 20,000 खरीद लिया, मुझे लगा कि मार्केट बॉटम में है तो 20,000 दे दिया म्यूचुअल फंड खरीद लिया अपने 5 म्यूचुअल में, फिर हर महीना 1,000 1,000 5,000 डालते मार्केट चलता रहेगा, जब भी होगा वो एवरेज होता रहेगा, जैसे आप स्टॉक एवरेज करते हो ना तो एवरेज हो रहा है समझो। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आपको लगे अभी मार्केट थोड़ा गिरा है, फिर 20,000 आपका जेब में डाल दो, फिर उसके बाद लेकिन आपका कंटिन्यू रहेगा SIP, क्योंकि आप हर बार दे रहे हो, तो जब भी हो, बट जैसे ही पैसा जाएगा एसेट मैनेजमेंट के पास आ जाएगा, वो अपना फिर वो जो करना है वो करता रहेगा, बट उसको पता है कि हर महीना इसका ये पैसा आएगा, तो उसके हिसाब से NAV जो खरीदते हैं, NAV मतलब आपका 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ का इतना एक बड़ा बक्सा हो गया समझो, 100 करोड़ में उसमें 10 लाख लोग लगाए तो 500 500 यूनिट का डिवाइड करके उसका एक फंड लगाए, उसको लगा दिया 1,000 करोड़ को एक जगह लगा दिया उन्होंने, उसका वैल्यू 1,100 करोड़ हो गया, 10% बढ़ा, तो NAV जो इसको मिला था 10, उसमें भी 10% बढ़ के 11 हो गया, तो 4 साल में जिसने 1,000 करोड़ लगाया था आज वो 2,000 करोड़ हो गया, तो NAV उनको जो नेट एसेट वैल्यू उनका 10 रुपया बना था आज हो गया 20 रुपया। ये है NAV। एक तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है जो कितना फंड मैनेज कर रहा है उसको 1 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो 1 करोड़ ले 100 करोड़ दे दिया 1,000 करोड़ वो उसको मैनेज कर रहा है, फिर वो 2,000 करोड़ हो गया 4 साल के बाद, जिसने 10 रुपया भी उसको जो मिला था आज उसको 20 रुपया वैल्यू होगा, स्टॉक का वैल्यू, NAV यू कैन कॉल लीजिए स्टॉक का वैल्यू, बट वो एक स्टॉक नहीं, उसमें रिलायंस भी होगा, HDFC में होगा, सब होगा, कोई 10-500 रुपया में आप म्यूचुअल अपने रिलायंस नहीं खरीद सकते हो, बट आप वहां देखोगे ना म्यूचुअल फंड का भी थोड़ा सा हिस्सा है, HDFC का है, जो अभी देखे 200 जितना कंपनी उनका अंडर ऐसा है, तो ये सब चीजें म्यूचुअल फंड का खासियत है। तो अभी गिरेगा तो एकदम से सब नहीं गिरेगा, या बढ़ेगा तो सब नहीं बढ़ेगा, बट उनको पता है कि उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, कि जहां पब्लिक मनी हो जाता है वहां वो सेबी का परमिशन के साथ ही काम करते हैं, लेकिन आपको करना है कि मेरे जेब से कब पैसा डालूं, उनको मैं दूं तभी तो मैनेज करेंगे। तो आप अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली नहीं, मार्केट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गिरा है तो लमसम में पैसा दे दिया, फिर लेकिन मुझे हर बार इन्वेस्ट रहना मेरे 20 साल तक, तो आप एक प्लान बना दो कि 1,000 रुपया 2,000 रुपया मुझे साल भर एवरी मंथ मुझे डालना है, ठीक है, दैट इज वन प्लान। दूसरा, कभी कभी टॉप अप, उसको बोलते हैं टॉप अप, जैसे आपको मार्केट लगा कि थोड़ा नीचे है तो डाल दिया, और हर दिन नहीं देखना है स्टॉक जैसा, इसको क्वार्टरली 6 मंथ में ईयरली में इसको रिव्यू करना है, फिर उसके हिसाब से वो आपको नॉलेज अभी लेना है। तो ये एक्टिविटी है बेसिकली, ये अभी अवेयरनेस इसी के लिए है कि आगे जाके आपको पैसा ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो आप सभी लोग आ रहे हैं ना कि आपका हार्ड एंड मनी कहीं बढ़े, लेकिन होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि हार्ड एंड मनी आपको कम ही हो जाता है, आप बोलते हैं मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन क्या होता है एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में जो इनकम आपका है उसको और भरपाई के लिए क्रेडिट कार्ड का लोन बढ़ जाता है, उसको भरपाई करने के लिए फिर आगे जाते हैं। सो ये अब उसमें और एक फायदा है कि आपने म्यूचुअल फंड में मान लो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया डाल दिया, वो जितना भी जाएगा और घटेगा ऊपर नीचे होगा वो लॉन्ग रन में ग्रोथ बढ़ेगा, और आपको एक्सपर्टाइज पढ़ गया, एक्सपर्टाइज ले ही रहे हो, अब इंट्राडे में बोल रहे हैं मुझे बढ़िया कॉल निकाल रहा हूँ, मैं 1 लाख तो म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब पैसा कहाँ से आएगा,
उसी 1 लाख को आप प्लेज कर दो, गिरवी जैसा रखते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। 80 हजार आपको मार्जिन मिल रहा है डेली, 80 हजार के ऊपर आप इंटर डे ट्रेड करो, यू कैन डू। आप ट्रेडिंग में और कुछ एक्सचेंज मार्जिन फंड होगा तो 2 लाख 2.5 लाख तो कैरी भी कर सकते हो पैसे इक्विटी। तो ये फैसिलिटी आपका है क्योंकि आप देखो 10 से 12% का ग्रोथ हो रहा है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। उसके आधार पे आपको लग रहा है कि मैं 1-2% महीना तो निकाल ही सकता हूँ इंट्राडे में, आप इतना हम पढ़ने के बाद तो कर ही सकते हैं। तो 80 हजार में अगर 2% भी निकालता हूँ महीना तो साल का कितना हो गया, तो 80 हजार का 24% कितना हुआ, 25% मान लो कितना हुआ, 20 हजार। तो 20 हजार आपका ग्रोथ हुआ और वो 10% आपको ग्रोथ दे ही रहे, तो 35% का ग्रोथ में रहे नहीं रहे उतना म्यूचुअल फंड, फिर आप लमसम जगह फिर मार्जिन लेके काम करो। ये आपको विजन होना है। देखो इन्वेस्टर कभी भी नुकसान में नहीं रहा अगर हम गाइडेड, देखो हम अपना प्लान के हिसाब से थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, उसके पीछे एक टीम बैठा है वो भी अपना काम कर रहा है और हम पढ़ ही रहे और इंटरडे में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो जो भी आप यह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस तरह का एक माइंडसेट रहेगा तो हम विजनरी बनेंगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन सकता है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना, इसको समझो सोचो फिर जाके बढ़ना है, दिस इज द आइडिया। इसलिए कि हम लोग जैसे बड़ौदा से आए हैं, सर इधर से आए हैं, तो ये क्यों है कि दिस इज अवेयरनेस, इस तरह का एक्टिविटी है। कोई आपको कोई जबरदस्ती कंपल्सन में नहीं रखेगा कि ये करना ही करना है, बट आपका विजन थोड़ा बड़ा रखना है कि हाँ इस तरह का हम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, अदरवाइज वाइंड अप द सेशन, फिर नॉर्मल सेशन जो है आपका फिर फ्राइडे को फिर नॉर्मल कंटिन्यू रहेगा, बाकी जिसका जो सेशन रहेगा। किसी को और है कोई एनीथिंग ऑनलाइन में, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सो वी विल वाइंड अप द सेशन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।